फिजा। वेलकम बैक। और हमने जैसे कहा कि हम एक अभी अपना एक आप में से जिन्होंने हमें कॉल किया एक पेशेंट एंटर करेंगे, और इन्होंने मुझे लास्ट जुमे के प्रोग्राम के बाद कॉल किया था। हमारी टीम ने रिसीव की थी इनकी कॉल, और इन्होंने कहा था कि मेरा इलाज करवाइए। तो आज आप लोग मुझे बताएंगे कि ये बाबा जी इलाज करेंगे या डॉक्टर सनाउल्ला जी इलाज करेंगे। तो मैं पूछती हूँ बाबा जी से। बाबा जी, ये है मोहम्मद अली, ये पेशेंट हैं मोहम्मद अली, और ये कहते हैं कि इनके ऊपर साया, आपके ऊपर साया है, आपको फीलिंग है इस पर? आप जरा बताइए। मैं उनकी तरफ देख रहा। नहीं, इनके ऊपर साया है। और आप क्या बता रहे थे कि आप किस तरह का फील करते हैं, जरा थोड़ा सा बताइए, ताकि आपके इलाज के लिए डॉक्टर साहब भी और ये भी। जब मुझ पर जिन आता तो मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, कपड़े फाड़ देता हूँ लोगों के, अपने कपड़े फाड़ लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करता हूँ। और ये कब कब आता है? ये किसी भी वक्त हो सकता है, इसका कोई टाइम करर नहीं है। शादीशुदा है? जी शादीशुदा है। मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बहुत मारता हूँ जब मुझ पे ये हरकत होती है। अल्लाह! सारा दिन में कितनी कितनी बार आता है आप पे? दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो जी बाबा जी, आप बताइए सबसे पहले, आपको आप कहते हैं ना मुझे दिख रहा है इसके सर पे मंडला रहा है, इनके सर पे क्या मंडलाता हुआ दिख रहा है आपको? इससे पहले कि आप बाबा जी की तरफ जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर बाबा जी काला इन करेंगे तो यहाँ मैं बैठी हूँ, फिर मैं उठ के चली जाऊंगी, क्योंकि ना हम करने देंगे और ना हम इस चीज को कंडेम करने बैठे हैं। अगर वो नूरानी इन करेंगे तब ठीक है, सबके सामने ऊंचा पड़े वो जो भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो काला इल्म पढ़ेंगे तो यहाँ से फिर मैं यहाँ इस प्रोग्राम से क्विट कर जाऊंगी, क्योंकि ना हम काला जादू है, हराम है काला जादू, गुनाह है कबीरा है, हमने ये साबित करना की आपके साथ मिलकर बाबा जी को, और मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे लोगों की मदद चाहिए, ताकि मैं बता सकूँ कि ये लोग गलत लोग हैं। तो अगर वो काला नूरानी बाबा जी अगर कुछ ऐसा है तो आपने जिन निकलता हुआ दिखा देना ना। अगर आप दिखाते हैं, मैं ये डॉक्टर साहब के पेशेंट है ना, मैं तो इस बात में तो नहीं, आपने मुझे जिन दिखाना है तो मेरा कब ये वाकफ है। मैं बाबा जी आपकी नूरानी बेटा, पहली बात ये है कि आपको कुराने पाक की आयत पढ़ा जी, हम आपको जिन दिखाना है बाबा जी। सुने मेरे, ये मेरे ऊपर नहीं बेटा, आप देखें मेरी बात, आप कहते हैं ना मैं नूरी इल्म करता हूं, सुन ले ना, अल्लाह का जिक्र भी कर बेटा, मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूं मैं लोगों का भला करता हूं, तो भला मैं इस पर कर भी सकता हूं, ये शख्स पर आप काला जादू करेंगे, आप ये क्यों मुझे इस तरह बुलाती हैं बार बार, ये क्या बात है? साबित कराना नहीं, क्या आप मेरे माथे के ऊपर चेवार ए लिखा हुआ है, आप ये क्या बात करती हैं? क्या मैं आपको पढ़ के क्यों सुनाऊं? आप मेरी टीचर हैं कोई? बाबा जी खुद बात है, मैंने ये गाली के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अच्छा ठीक है नूरी जी, एक सेकंड, कोई मेरी टीचर तो नहीं है ना? अच्छा आप बैठिए 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 बैठिए, अच्छा एक सेकंड मैं आपसे पूछती हूं बेटा, मेरी भी कोई इज्जत है अपने इलाके में, मेरे भी मेरी अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। देखो बेटी, मैं जो भी पढ़ता हूं आप ये क्यों, मैं आपको आपको इनके ऊपर क्या दिख रहा है, इनके ऊपर साया मंडलाता हुआ दिख रहा है जी? हां ये बाबा जी कह रहे हैं कि इनके ऊपर साया है, आपको दिख रहा है जी? जी पहले ये बताइए जरा डॉक्टर साहब। देखो ये इन्होंने खुद ही बताया कि मेरे अंदर कोई चीजें आती हैं, ठीक है? हाँ। इसी तरह हम पूछते हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह की जात जानती है ना, इस पे यकीन करना चाहिए कि इसके अंदर क्या आ गया है। ये जितने भी लोग होते हैं झूठ बोलते हैं कि इसके अंदर फलां चीज आ गई, फलां होती हैं चीजें, लेकिन उनके बारे में ये कुछ भी नहीं जानते, ये झूठ बोलते हैं। मैंने मुझे ये नहीं बताया, वॉइस ऑफ अमेरिका में मेरे सवाल का जवाब दे, मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरे पास कॉल्स बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे पूछा है इनके ऊपर जिन है आपको दिख रहा है? हां भाई क्या होता है, ये बताया था उन्होंने, आप बताइए क्या होता है, सारी चीजें बताइए। उधर ही बैठ रहे हो, आपको दिखता है, आपको जब मेरे ऊपर जिन आता है तो मेरा जो चेहरा लाल हो जाता है, हाथ पूरे मुड़ जाते हैं, और मैं बच्चों को मारता हूँ और अपने कपड़े फाड़ लेता हूँ, जो भी आदमी मुझे नजर आता है मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसको मेरी कोशिश थी उसको मैं नोच लूं। पूछ तो रहे हैं कि गुर्दे में तो कोई पेन नहीं, आपको तो दिख जाना चाहिए। बात देखो, बात यह है कि इसके अंदर हाजिरी आ जाएगी, वो कोई मसला नहीं है, मेरे लिए मसला नहीं है, जब मैं पढ़ूंगा तो इसके अंदर चीज आ जाएगी। आप अभी हाजिरी लाके दिखा सकते हैं? आ जाए अगर इसके अंदर है तो हर सूरत में आ जाएगी, अगर इनके अंदर है तो हर सूरत इसके अंदर साथ है तो फिर हर सूरत में आ जाएगी इसके अंदर। आपको कैसे पता चलेगा हाजिरी लाने के बाद? पहले नहीं पता चलता कि इनके अंदर है? देखो बता रहा है, खुद ही पेशेंट बताते हैं ना, गैब कितनी बड़ी बात है, है इसके ऊपर है। आप वो देखो कह सकते हैं, अच्छा मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं, दिखाएं फिर दिखाओ, अगर होगा तो आ जाएगा। आप कह रहे हैं कैसे, आपको दिख रहा है? समझता हूं
आप मेरे पल्ले बांधना चाहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी इसका निकाल अच्छा एक सेकंड एक सेकंड अच्छा ठीक है ओके 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 ठीक है मेरी बात सुनो लास्ट टाइम हमारे पेशेंट आपने हाजिरी कराई थी ना जब अभी हमारे पेशेंट जब आपने भी ना तो फिर आप अभी ना करें एक सेकंड रुके आपने लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं किया हाँ। आप लोगों को प्रूफ दें आप हाँ। कहते ना मैं आपके क्लाइंट के बेटा मैं करके दिखा दूंगा ये पानी मंगाओ देखो बात ये है बात मैडम ये पानी जल्दी फिजा जी पानी लेकर आइए फिजा जी बात सुनो इधर बैठो जी ये हाजिरी वैसे भी हो जानी बगैर उनके जिधर जिक्र चल रहा है ना जी। ये लहर इनके अंदर आ सकती नहीं मैंने आज वो जिम देखना है लाइव मुझे दिखाएं या चलता फिरता दिखाएं मुझसे मुलाकात करवाएं मुझसे बात करवाएं आपने बात करनी है मेरे कॉलर्स ने बात करनी है जितने लोग हैं उन्होंने बात करनी है दिमाग खराब करके रख दिया इतने दिन से मेरा जिन है तो जिम दिखा देना आज मुझे जिम पानी लाओ पानी जो आपके अड्डे पे इतनी औरतें खड़ी हुई थी भले बाबा जिम निकालता है इधर से काम करवाता है जेलों से निकलवा देता है अगर ऐसे कुछ था तो आपने अपनी चेले की शादी ऐश्वर्या राय से क्यों नहीं करवा दी वो उसे हो सकता है पसंद ही ना करता हो ये क्या बात जी ये कोई मेरे कोई चेले हैं मेरे चेले हैं तो ये कोई आशक चेले तो नहीं है ये और तरीके के आशक अच्छा आप इनकी शादी सुष्मिता सिंह से करवा सकते हैं डॉक्टर साहब की किसकी डॉक्टर साहब की शादी अगर डॉक्टर साहब करना चाहें सुष्मिता सिंह से करवा सकते हैं बता दे तो कोई ऐसी बात नहीं है जी मैं बात कर रही हूं ना आपको साय का केस सुनाने लगा हूं हां पानी दीजिए पानी तो मेरे तीन घुट पानी का था ना आप सुन नहीं रहे होते प्रोग्राम जब मैं बोल रही होती हूं आप याद रखें कि कुरान की मुसलसल तलावत के सामने किसी बातिल शय का शैतानी अमल का ठहरना नामुमकिन बात है तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ है कि हमारे नजदीक जो बाबा जी रहते हैं वो कोई शैतानी अमल करते हैं जैसे वो लोगों को ठगते हैं आपके ऊपर अगर जिन डाला जाए आप डरेंगे नहीं नहीं मैं नहीं डरूंगा डाल सकते हैं आपके ऊपर जिन हमें क्या होगा मैंने कैफियत लिखी इनका कुछ नहीं होता उसको है जिसका जिसका इरादा कमजोर है नहीं इरादा नहीं ये तीन घुट पानी है इनके ऊपर ब्रेन के ऊपर ये तीन घुट है पानी है इसको कम करना है जरा कम कर दें ये ज्यादा है जिस तरह के पहले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ये किसी को मारने की कैफियत हो सकती है बल्कि दस्तो गिरेबान हो बाबा जी ठीक है बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं तो जब मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि इनके पास कोई जादू टूना है तो मैंने वहां मुसलसल बैठकर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया एक दिन मैं पढ़ रहा था तो हमारे देहात का मोहम्मद बूटा अपने भांजे शबीर को उठाकर ले आया बाबा जी की बैठक में तो 15-20 मिनट के बाद वापस लेकर चला गया आप 5-10 मिनट के बाद उसकी आपकी बात सुनते हैं अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे सामने जिन चाहिए मैं आपके सारे किस्से कहानियां सुनूंगी आप जिन दिखाइए बस डॉक्टर साहब एक वादा करना है आपने कोई चीज पढ़ना पुड़ना नहीं है ना आपने पढ़नी है नहीं पढ़ते करें आप अपना आपको ये मानना पड़ेगा अपना अमल करें लेकिन मैंने हाजिर कर दूंगा अगर आप से ना होगा तो फिर आप सेंटर में बैठिए आइए फिर पहले आप हाजिर करें आप करें उन्होंने फिर आप ये नहीं कहे बात की जी आपसे ना होगा अगर इसमें है तो वो आ जाएगा चलो अल्लाह करे आगे अच्छा आप निकलवा के दिखाइए मुझे आपके जिन देखने आपके और वो सूरतें देखनी है वो सारी चीज आपने नहीं देखना ना आपने मैं बताया कि जिक्र चल रहा होता है हाजिरी तो वैसे ही हो जाती है आप तो भाग गए मैं नहीं भाग नहीं रहा मैं कह रहा हूं तो हाजिर कर डॉक्टर साहब ये आप ना देखिए डॉक्टर साहब इसे आप कहते हैं कि कोई आदमी ना दो दो पटरियों में नहीं आप जो है ना ये आप बात ये तरह बड़ा आप लोग रेडी हैं जिन देखने के लिए बोले आप अमल करें उसके बाद बताएं ये डर तो नहीं रहे बस हेलो आप लोग जी आइए 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 टाइम बहुत कम है प्लीज मोहम्मद अली ले पा रहे मोहम्मद अली मोहम्मद अली बैठिए मोहम्मद भी और ऊपर से अली इधर आ जाओ मोहम्मद अली जरा सामने आओ मेरे बाबा जी आप भी बैठ जाए मैं अपने कॉलर की इंसल्ट नहीं करा सकती आप भी बैठ जाए जिन निकाले आप बैठ के थोड़ा मेरे करीब आओ बच्चा इधर आओ करीब आओ नहीं बाबा जी आप भी नीचे बैठ के साथ जरा मेरे कैमरा पे ना लोग देख सकेंगे ना कोई बात नहीं बेटा लोग मुझे देखते ही हैं रोजाना सुबह आप शाम आप मुझे पढ़ने देंगे आप मुझे मत बुलाएं जी जी सॉरी सॉरी जी आप करें बस जिन दिखा दें आप चलो ये निकाल लेंगे दोबारा फिर हम इसके नहीं नहीं बोले नहीं आप लोग अपने चैनल्स भी स्विच नहीं कीजिएगा कहीं इधर उधर मत जाइए आप देखिए कि जिन निकलता है क्या मेरे सेट पे यहाँ पे जिन घूमता फिरता दिखता है आपको ये आज सारे सबूत आपको मिलेंगे मुझे बाबा जी जिन नजर आना चाहिए और मेरे डॉक्टर साहब हो गए ये जो फैसलाबाद से आए अनवर साहब नूरी जी मैं ये स्टूडेंट जिन से बात कर सके और मेरे कॉलर्स बात कर सके जी ये पानी पिला रहे हैं अब देखते हैं आपने क्या बोला डंडियां निकाल बच्चा डंडियां दे दे बाबा जी ऊंचा पढ़े ना ताकि हम भी सुन सकें मैं तुझे मार दूंगा हाँ तो हट
मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुझे जला दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत से लोगों से मेरा पल अपड़े है, बहुत से लोगों से मेरा पल अपड़े है, किसी ने मेरा कुछ भी नहीं किया। अब मैं तेरा कर दूंगा। तू कुछ भी नहीं कर सकता बाबा, कुछ भी नहीं कर सकता। सुबह की फिजा फिजा।